नैनीताल में लोकसभा सामान्य निर्वाचन को लेकर दिव्यांग और बुजुर्ग मतदाताओं के लिए चलाए गए मतदान अभियान में 90% वोटिंग हुई। जिला निर्वाचन नोडल अधिकारी विशाल मिश्रा ने बताया कि 3 दिवसीय घर जाकर पोस्टल बैलेट वोटिंग अभियान में अभी 1290 लोगों ने मतदान किया है। जिले में कुल 1419 लोगों ने फॉर्म नंबर 12D का आवेदन कर पोस्टल बैलेट से मतदान करने के लिए आवेदन किया था। अभी ये प्रक्रिया जारी है। छूटे गए मतदाताओं का भी घर घर जाकर मतदान कराया जाएगा। आठ, नौ और 10 अप्रैल को दिव्यांग और 85 वर्ष से अधिक आयु के वोटर्स को घर घर जाके मतदान कराया जाना था और इसमें कुल 1419 थे जिसमें से 1290 ने मतदान किया और अभी आज की रिपोर्ट आनी बाकी है। जो रह जाएंगे उनको 11, 12 और 13 अप्रैल को द्वितीय चरण में किया जाएगा। तो एक बहुत ही अच्छा रुझान, क्या कहूँ मैं, बहुत ही अच्छा एक रिपोर्ट है हमारे जनपद की 90% से ज़्यादा लोगों ने वोट किया है और अभी ये प्रक्रिया चल रही है। इसके अलावा मतदाता जागरूकता के संदर्भ में शहरी क्षेत्रों या ग्रामीण क्षेत्रों हमारी स्वीप की टीम है और शहरी क्षेत्र में नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत वो भी लगे हुए हैं, सभी को मोटिवेट कर रहे हैं। अलग तरीके की एक यूनिक तरीके की एक्टिविटीज भी आयोजित की जा रही है ताकि लोग उसमें आकर्षित हों और समझें।